सेफ बेटिंग एप्लीकेशन मामले में कई बॉलीवुड सितारों के नाम सामने आए हैं। रणबीर कपूर, श्रद्धा कपूर, हिना खान, कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी और इस वक्त 34 बॉलीवुड एक्टर्स ईडी के निशाने पर हैं। चलिए आपको बताते हैं कि वो कौन से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जिन पर ईडी की नजर है और आखिर क्यों वो ईडी के इस जाल में फंस गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चेतना मंच और मैं हूं आपके साथ तनुश्री त्रिवेदी। दरअसल शुक्रवार को ईडी ने महादेव बेटिंग ऐप मामले में एक जाने माने बॉलीवुड प्रोडक्शन हाउस पर छापेमारी की थी, जिसे महादेव ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर और रवि उप्पल से पैसा मिला था, जिसके बाद ईडी ने बॉलीवुड के कई बड़े सेलिब्रिटीज को पूछताछ के लिए बुलाया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कुछ चुनिंदा एक्टर्स को ही जांच पड़ताल के लिए क्यों बुलाया, तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि ये वही सेलिब्रिटीज हैं जो महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी में शामिल थे और सितंबर 2022 में यूएई के एक बड़े जश्न में शामिल हुए थे। सूत्रों का कहना है कि इसके लिए इन्हें काफी पैसे भी मिले थे। महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोशन के मामले में जब अभिनेता रणबीर कपूर को पूछताछ के लिए बुलाया गया तो उन्होंने ईमेल के जरिए एक हफ्ते की मोहलत मांगी। इसके साथ ही कपिल शर्मा, हुमा कुरैशी, श्रद्धा कपूर और हिना खान को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। इस वक्त ईडी के निशाने पर बॉलीवुड के 34 सितारे हैं। सुनील सेठी, सोनू सूद, सारा अली खान, रश्मिका मंदाना, गुरु रंधावा, नोरा फतेही, टाइगर श्रॉफ समेत और भी कई एक्टर्स इस लिस्ट में शामिल हैं। जी हाँ, ये सभी वही एक्टर्स और एक्ट्रेसेस हैं जो 18 दिसंबर 2022 को यूएई में आयोजित उस बड़े जश्न में शामिल हुए थे और अब जल्द ही इनको भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। इन सबके अलावा फरवरी 2023 में महादेव बेटिंग ऐप के प्रमोटर सौरभ चंद्राकर की शादी में एक आलीशान इवेंट आयोजित किया गया था, जिसमें तमाम बॉलीवुड के सिंगर्स और एक्टर्स को भी परफॉर्मेंस के लिए बुलाया गया था। सूत्रों के मुताबिक इस इवेंट में परफॉर्म करने वाले सेलिब्रिटीज को 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा दिया गया था। इस इवेंट से जुड़े वीडियोस भारतीय एजेंसियों के हाथ लगे हैं, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। आपको क्या लगता है कि नेताओं की तरह ये एक्टर्स और एक्ट्रेसेस भी घोटालों में शामिल होते हैं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए जुड़े रहें चेतना मंच के साथ। धन्यवाद। Yeah.